हेलो फ्रेंड्स, कवि डिजाइनर बुटीक में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करते हो कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक भी है साड़ी से ड्रेसेस दिखाने का। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कम से कम चार साड़ी, जिनमें से हम ड्रेसेस बनाएंगे और उन साड़ी में से जो ड्रेस बनाएंगे उसको जो कन्वर्ट करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। पहले हम आपको साड़ी दिखाएंगे, फिर उसके बाद ड्रेस दिखाएंगे, और हो सकता है अगर यदि हमारे क्लाइंट ने पहनी तो हम आपको क्लाइंट को बना के भी दिखाएंगे कि उनकी लुक कैसी बनी। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। शेयर करने से और सबको भी आइडियाज मिलते रहेंगे और इनका पता चलता रहेगा कि हम साड़ी में से क्या क्या ड्रेसेस बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा देर ना करते हम अपनी साड़ी दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपके लिए ब्लैक एंड व्हाइट में साड़ी लेके आई हूँ। ये हमारे ऑनलाइन क्लाइंट हैं और इधर से सीधी है, और ये हमारे क्लाइंट दूर के हैं। ये इन्होंने हमारे बुटीक पे विजिट किया, ये बहादुरगढ़ के कस्टमर हैं। इनकी साड़ी काफी दिन से रखी हुई थी, लेकिन इनको कुछ आइडिया नहीं समझ आ रहा था कि मैं किस तरीके से बनवाऊं और कैसी बनवाऊं और किससे बनवाऊं। तो ये हमारे पास आए, इन्होंने मुझे थोड़ा सा आइडिया दिया, अपनी चॉइस बताई कि मुझे इसमें से क्या चाहिए। मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि इनको किस तरह की ड्रेस चाहिए इसमें से। तो आपने ये देखा है, इसमें जो इधर का हिस्सा है वो ब्लैक एंड व्हाइट में है, मतलब प्रिंटेड में है, और इधर का जो हिस्सा है वो ब्लैक में है, और साथ में हमारे बॉर्डर है। पहले देखिए फ्रेंड्स, आपको भी पता है पहले साड़ी की पूरी कंडीशन देखनी होती है कि साड़ी अच्छी है, फ्रेश है, और मतलब ज्यादा ऐसे पुरानी तो नहीं है, या बनने के बाद इसका ड्रेस खराब तो नहीं हो जाएगा। तो पहले ये ड्रेस, मतलब ये जो साड़ी है ये बहुत ही फ्रेश में है, बहुत ही सुंदर साड़ी है। और इसका फिर इसका ये स्ट्रक्चर देखना होता है कि इसका साड़ी का स्ट्रक्चर किस तरह का और इसमें से किस तरह की ड्रेस अच्छी लगेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसकी चॉइस बता इनकी चॉइस बताती हूँ। इनकी जो इच्छा थी वो ये थी कि इसमें से हमारा एक सूट और एक साथ में प्लाजो बनाया जाए, लेकिन जो सूट और प्लाजो बनेगा वो सिंपल नहीं बनाना है। मतलब उनका मन था कि कुछ डिजाइनर सा बनाया जाए इसको। तो फ्रेंड्स, इसमें से हम एक डिजाइनर सूट और साथ में एक प्लाजो बनाएंगे। जो डिजाइनर सूट बनेगा तब आप इसका डिजाइनर सूट देखना। तो अभी हमने आपको साड़ी दिखाई, थोड़ा आइडिया दिया कि इसमें से एक हमारा सूट और साथ में एक प्लाजो बनेगा, और ये फुल लाइनिंग में बनेगा। तो फुल लाइनिंग में इसको हम बनाएंगे और इसको डिजाइनर बनाएंगे। तो अभी आपको दिखाते हैं सेकंड साड़ी। ये देखिए, ये हमारी दूसरी साड़ी है, ये हमारे दूसरे क्लाइंट हैं। इनकी भी साड़ी हमने पहले पूरी अच्छे से देखी, आप भी देख लीजिए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, यदि हम साड़ी को अच्छे से देख लेते हैं तो जब हम डिजाइन दिखाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाता है कि इस साड़ी में से हमने क्या बनाया और किस तरीके से बनाया, वो भी मैं समझाती हूँ। लेकिन अच्छे तरीके से बना कैसे है वो जब हम ड्रेस बनाते हैं तब समझाते हैं, तो ज्यादा अच्छे से समझ आता है। तो पहले साड़ी को ध्यान से देख लीजिए, और फिर उसके बाद जब इसकी ड्रेस तैयार होगी तब हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो अभी इसमें से भी हम बनाएंगे, एक शरारा वाली ड्रेस बनानी है इसमें, मतलब नीचे हाफ में शरारा मांगा है क्लाइंट ने और साथ में एक सूट मांगा है। तो इसका डिजाइन जो है हमारा सूट का इस तरीके से बनेगा, और साथ में जो शरारा बनेगा वो थोड़ा सा अलग बनेगा, जो कि क्लाइंट की चॉइस से बन रहा है। तो अब इसमें से हम आपको एक शरारा वाली सूट बना के दिखाएंगे। अब हम आपको एक तीसरी साड़ी दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी तीसरी थर्ड नंबर पे साड़ी है, लेकिन मैं इसको आपको हाफ दिखाऊंगी। हाफ इसलिए दिखानी है ये, क्योंकि जो इसका हाफ हिस्सा था वो हमने क्लाइंट को दे दिया, क्योंकि उनको उसमें से नहीं बनवाना था। तो ये साड़ी बिल्कुल न्यू है, मतलब इसमें से ये पहनी भी नहीं है साड़ी। ये देखिए, तो ये हमारा जो है इसका पीछे का पार्ट है। तो इसमें पीछे का जो पार्ट है वो हमने लिया, और जिसके आगे का पार्ट था वो हमारे क्लाइंट ले गए। मतलब इसलिए मैं आपको पूरी कंप्लीट साड़ी नहीं दिखा सकती, बट मैं उसकी पिक्चर जरूर दिखा दूंगी, अगर मिली तो मैं जरूर दिखाऊंगी। तो ये देखिए, इसका साथ में एक ब्लाउज भी था। ये इसका ब्लाउज है जो हमारे क्लाइंट खुद लेके आए कि देखिए मैम, इसमें ये ब्लाउज भी है, यदि आपको इसमें कुछ यूज करना है तो आप इसे भी कर सकते हो। तो इसमें हमने पहले इसको साड़ी को देखा, इनकी चॉइस है इसमें से एक जंपसूट बनेगा।
मतलब जम सूट का जो आइडिया है वो क्लाइंट का ही है कि मुझे मैम इसमें से एक जम सूट बना के दीजिए। तो उन्होंने हमें पिक्चर भी दिखाई है, पिक्चर दिखाने के बाद हमने साड़ी को देखा कि इसमें से बन सकता है। वो जो दूसरा वाला पल्ला था वो पूरा जाल वाला था, तो वो जाल वाला उनको नहीं बनवाना था, इसमें से हम बनाएंगे नीचे वाला हिस्सा और इसमें से बनाएंगे हम अपनी चोली। ये चोली हमारी पैडेड बनेगी, तो इसमें से हम बनाने वाले हैं एक जम सूट जो कि तैयार होने के बाद आपको हम दिखाएंगे। तो ये हमारी थर्ड नंबर की साड़ी थी, अब हम दिखाते हैं आपको फोर्थ नंबर पे साड़ी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस साड़ी को भी आप ध्यान से देखिए, साड़ी काफी सुंदर है। ये भी देखिए, क्लाइंट यदि अपनी थोड़ी सी चॉइस बता देते हैं कि हमें इस तरह की चाहिए, तो हमारे लिए थोड़ा सा और इजी हो जाता है उनको डिजाइन दिखाना। बाकी तो कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो कि नहीं आइडिया दे पाते, तो वो उनको फिर हम बताते हैं कि आप इसमें से इस तरह की चीज बना सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको चॉइस बतानी जरूरी है, लेकिन बता दे तो थोड़ा सा ज्यादा जल्दी से समझ आ जाता है। नहीं बता पाते तो फिर हम उनको तरह तरह से आइडिया देते हैं कि आप इसमें से गाउन बनवा सकते हो, शरारा बनवा सकते हो, आप इस तरह की जम सूट बनवा सकते हो, बहुत तरह के श्रग वाली ड्रेस बनवा सकते हो। तो अभी हमने इसको ध्यान से देखा, लेकिन इनकी चॉइस भी क्लाइंट की ही थी। इन्होंने अपने तरीके से हमें मतलब इसको समझाया कि मुझे कुछ इस तरह की ड्रेस चाहिए। तो देख रहे हो आप, ये पल्लू में वर्क है। अब मैं इसकी आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ कि उन्होंने मुझे किस तरह की चॉइस मांगी इसमें। ये देखिए, इसकी तो मैं पिक्चर दिखा सकती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये हम कुछ इस तरह की इसमें ड्रेस बनाने वाले हैं। मतलब हमारा फैब्रिक भी कुछ उसी तरीके से है और इसका डिजाइन भी ऐसा ही है। तो ये वाला जो हिस्सा है हम कुछ यहाँ पे सेट करने वाले हैं। तो हम इसमें से इस तरह की एक गाउन वाली साथ में जो हम ये डिजाइन है ये अटैच करेंगे, तो हम ये वाली ड्रेस बनाने वाले हैं। तो बाकी तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको ये साड़ी ड्रेस के लिए है सफिशियंट या नहीं। तो हम इसमें से बनाने वाले हैं गाउन, और फ्रेंड्स इनकी जब ड्रेस तैयार हो जाएगी हम आपको इनकी ड्रेस बना के दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा देर ना करते हम इनकी ड्रेस तैयार करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो आपको साड़ी दिखाई थी उसमें से हमारी एक ड्रेस तैयार हो गई है, जो कि मैंने आपको ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी दिखाई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको वो ड्रेस दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी दिखाई थी, मैंने बोला था कि हम उसमें से एक कुर्ती और एक साथ में प्लाजो बनाएंगे। तो पहले आप इसकी पूरी कंप्लीट लुक देख ली आपने, अब मैं इसकी पूरी डिटेल समझाती हूँ। बाकी तो आपको देख के पता ही चल गया होगा कि हमने इसमें क्या किया है। ये देखिए, ये इसकी बैक है। बैक हमने इसकी प्रिंटेड ली, जो कि हमारी साड़ी में पीछे का पार्ट था। हमने इसमें साड़ी में पीछे का पार्ट के साथ में बॉर्डर भी लिया, और ये हमने पल्लू की तरफ से हमने अपनी कुर्ती निकाली, और इस कुर्ती में हमने ये वाला डिजाइन दिया। ये हमारे क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से बनाया। हमारे क्लाइंट ने हमें चॉइस बताई थी कि मुझे कुछ इस तरीके का अंगरखा स्टाइल में कुछ ऐसा मतलब थोड़ा कॉलर बताइए कि अच्छा लगे। तो हमने आपस में डिस्कशन किया और ये वाला कॉलर तैयार किया। तो आपने देखा, इसमें हमने एक प्रिंटेड कॉलर सेट किया है और अंगरखा स्टाइल में हमने इसको ये वाला लुक दिया। इसमें साथ में हमने एक प्रिंटेड पाइपिंग भी दी है, और इसमें हमने ऐसे प्रिंटेड बटन भी लगाए हैं। साथ में हमने इसको बॉर्डर दिया है, और ये स्ट्रेट में बनाया, मतलब स्ट्रेट में क्या हल्का सा दामन चौड़ा किया है, लेकिन हमने इसके साइड में चाक खोले, हमने इसको ए लाइन शेप में नहीं बनाया। वैसे इसको हम ए लाइन शेप में भी बनाते तो भी काफी सुंदर लगता, बट मेरे क्लाइंट की डिमांड थी कि मुझे स्ट्रेट में कुर्ती बना के दी जाए। तो हमने इसको स्ट्रेट में कुर्ती दी, और हमने इसके सामने से भी स्लिट खोले, क्योंकि ये क्लाइंट की चॉइस है कि मेरे सामने से भी स्लिट खोली जाए। और आपने इसकी स्लीव्स देखी, स्लीव्स हमने इसकी ब्लैक ही कलर ली है, और साथ में हमने इसके बॉर्डर भी लिया। इसकी जगह हम इसको प्रिंटेड भी ले सकते हैं, प्रिंटेड हमारे पास कपड़ा बचा हुआ है, हम इसकी प्रिंटेड बाजू भी बना सकते हैं, वो भी अच्छी लगती। बट ये क्लाइंट ने और हमारी थी कि हम इसमें ब्लैक दे, साथ में जो बॉर्डर है वो भी हमने प्रिंटेड ही दिया। तो आपने इसकी कंप्लीट लुक देखी, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा ये कि हमने ये साड़ी में से बनाया। और साथ में जो इसका हमने प्लाजो बनाया, प्लाजो हमने इसका प्रिंटेड दिया है। सॉरी फ्रेंड्स, इसको मेरे क्लाइंट पहन के नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि ये क्लाइंट हमारे दूर के हैं जो कि आज आ नहीं पाएंगे, लेकिन इसको ये ड्रेस हमारी यहाँ से स्टार्ट।
तो फ्रेंड्स ये इसको हम पहन के नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमारे दूर के क्लाइंट है, तो ये हमें कोरिया ही करना पड़ेगा इधर से। तो बाकी तो हमारे क्लाइंट वहां से फीडबैक देंगे इसकी कि इनको ये लुक और फिटिंग कैसी आई। अब हम इसके बाद आपको जो हमने आपको और साड़ी दिखाई थी उनमें से अब आपको ड्रेस दिखाते हैं बना के। देखिए फ्रेंड्स हमने जो आपको तीन साड़ी और दिखाई थी आज उन तीन साड़ी में से भी तीनों ड्रेस तैयार हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको सेकंड नंबर की आपको पर्पल कलर की साड़ी दिखाई उसमें से हमारी शरारे वाली ड्रेस तैयार हो गई है जिसमें मैं आपको पहले कुर्ती दिखाती हूँ और मैं शरारा भी दिखाऊंगी। तो आप इसे ध्यान से देखिए, जैसे कि मैंने बोला था कि ये जो साड़ी में बॉर्डर है वो सिर्फ हमने कुर्ती में बॉर्डर लगाया है। ये जो इसका शरारा है इसके शरारे में हमने ये बॉर्डर सेट नहीं किया, सिर्फ एक पट्टी लगाई है, बाकी जो पूरा बॉर्डर है वो हमने कुर्ती के अंदर दिया क्योंकि ये हमारे क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से बनाया है। बाकी डिमांड भी बहुत अच्छी थी उनकी कि जो बॉर्डर है वो यदि हमने कुर्ती में सेट किया है तो बहुत अच्छी गेटअप आई है। और इसका जो पूरा जाल है वो पूरे जाल में हमने कुर्ती सेट की है और स्टेप वाली बनाई है, साथ में हमने इसमें पाइपिंग भी दी है। ये जिस तरह से क्लाइंट ने इसको मांगा हमने बिल्कुल सेम उसी तरीके से कोशिश की है कि हम उसको उसी तरीके से दे सके जिस हिसाब से कस्टमर ने हमें चॉइस बताई। तो इसका हमने आपको पूरी कुर्ती दिखाई, पीछे बैक में भी बॉर्डर आया और फ्रंट में भी बॉर्डर आया क्योंकि और तो इसमें कुछ ऐसा अलग से है नहीं कि हम स्पेशल कुछ बता सके। और बाकी इसका आप शरारा भी देख लीजिए, एक बार मैं शरारे के बारे में भी अच्छे से समझा देती हूँ। इसका जो प्लेन पार्ट था वो हमने ऊपर से ले लिया जैसे कि हर बार लेते हैं और ये साथ में हमने इनका कढ़ाई वाला पार्ट हमने इसके हिस्से में लगाया और साथ में ये एक अलग से ही बॉर्डर भी सेट किया। ये बॉर्डर इसी में एक ही सेट किया है, बाकी ज्यादा बॉर्डर हमने कुर्ते के अंदर दिए। तो इस तरीके से शरारे वाला, और इसके साथ में हमने एक दुपट्टा भी तैयार किया पर्पल कलर का, प्योर का प्लेन दुपट्टा है, साथ में उसमें सिल्वर कलर की लेस लगाई है। तो हमने इसको दुपट्टे को भी दुपट्टे के साथ में ये पैटर्न तैयार किया पर्पल कलर की साड़ी में। अब मैं आपको एक ब्लैक कलर की साड़ी मैंने दिखाई थी आपको, ब्लैक कलर की साड़ी में हमने ये जंप सूट बनाया। इस बार हमारी जो ड्रेस में जो अलग पैटर्न है वो है जंप सूट, ये हमारी क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से बना है। ये पूरा जुड़ा हुआ होता है जंप सूट जो होता है उसमें पूरी चोली और जो पैंट होती है प्लाजो होता है वो अटैच रहता है। देखिए फ्रेंड्स ये हमने पैडेड ड्रेस बनाई है, मतलब पैड लगा के बनाई है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये साड़ी का ब्लाउज था, ये ब्लाउज हमने यहाँ पे सेट किया चोली में और इसका जो बैक है बैक में भी हमने प्लेन दिया बट इसमें साथ में हमने बॉर्डर दिया, बॉर्डर के साथ में पीछे चेन दी है, पीछे इसमें चेन है, ये चेन के थ्रू यहाँ तक इसके अंदर चेन होती है ताकि इसको आराम से पहना जा सके। ये खुल जाएगी, खुलने के बाद इसको आराम से कैरी किया जा सकता है। तो जो आप इसका फ्रंट है फ्रंट में भी हमने यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया और साथ में जो आपने ये देख रहे होंगे इसके अंदर यहाँ पे लेस लगाई है, ये जो लेस है ये लेस हमने बॉर्डर में से ही इसके जो बॉर्डर है आप उसे ध्यान से देखिए साड़ी को, बॉर्डर के जो है उसके बराबर में से लेस निकाली हमने और ये लेस इस तरीके से सेट की। इसमें यही मेन है कि हमने इसमें जो डिजाइनिंग बनाई है वो किस तरह से बनाई है। तो ये जो फ्रंट पे लेस लगाई गई है वो बॉर्डर में से ही निकाल के लगाई है, अलग से कुछ नहीं लगाया। और साथ में हमने अलग से ये पाइपिंग गोल्डन कलर की लगाई है और साथ में हमने बटन भी दिए हैं क्योंकि अगर यदि इसमें लेस नहीं लगा रहे थे तो ये थोड़ा सा अलग सा खाली खाली लग रहा था जो अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने जंप सूट में जैसे उन्होंने हमें डिजाइनिंग दिखाई उसके हिसाब से हमने इसमें लेस लगा के उसकी पूरी डिजाइनिंग को सेट किया और इससे इसकी काफी अच्छी लुक भी आ गई। और बाकी तो देखिए आपको जैसे मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में जो हिस्सा स्टार्टिंग वाला तो जो जाल वाला हिस्सा है वो देखिए बराबर में आपको पल्लू दिख रहा होगा, ये पल्लू था और जो पल्लू के लास्ट वाला हिस्सा है
वो हमने प्लाजो में लगा दिया। मैं आपको स्टार्टिंग में वो पल्लू दिखा नहीं पाई थी, बट मैं अब इसको पल्लू को दिखा रही हूँ कि ये जो पल्लू है ये इस तरीके का है, और जो लास्ट वाला हिस्सा था वो हमने ऐसे प्लाजो में लगा दिया। अभी देखते हैं उस पल्लू का भी कुछ पैटर्न बना सकते हैं। अदरवाइज अभी तो मैंने जो दो पार्ट की साड़ी थी उसमें से एक ही हिस्सा यूज किया है। तो ये प्लाजो में हमने कॉटन की लाइनिंग लगाई, इसके अंदर कॉटन की लाइनिंग है, कॉटन की लाइनिंग के साथ में हमने ये जंपसूट तैयार किया। तो फ्रेंड्स आप भी हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना कि जो साड़ी में से ये ड्रेस बनी जंपसूट, ये कैसा लगा आपको, और क्या ये ऐसा लग रहा है कि ये साड़ी में से बना, ये भी जरूर आप बताना। अब हम आपको फोर्थ नंबर की साड़ी वाली ड्रेस दिखाते हैं, जो कि मैंने सबसे लास्ट में आपको साड़ी दिखाई थी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको जो साड़ी दिखाई थी और साथ में मैंने एक पिक्चर भी दिखाई थी आपको, कि ये हमारे क्लाइंट की डिमांड थी कि मेरी जो साड़ी है उसमें से कुछ इस तरीके से ड्रेस बनाई जाए। और ये भी मैंने दिखाया था आपको कि जो इसका पल्लू है, पल्लू वाला हिस्सा हमने यहाँ पर सेट किया। जैसे ही मैंने आपको साड़ी दिखाई, पिक्चर दिखाई, पिक्चर के साथ में आपको आइडिया होगा कि ये कुछ इस तरह की ही ड्रेस बनी है। इसमें हमने बॉर्डर भी सेट किया है, नीचे की तरफ इसमें बॉर्डर सेट किया है। इसमें कोई कलियां नहीं है, इसको हमने चुन्नटों वाला बनाया है। और ये जो पल्लू के अंदर पार्ट था, मेन इसमें यही है कि इसको हमने सेट किया, बाकी इसके अंदर ऐसा कोई स्पेशल नहीं है। मेन गाउन है, चुन्नटों वाली ये गाउन बनी है। साथ में हमने इसमें पाइपिंग भी लगा दी, और स्लीव्स हमने सिर्फ इधर लगाई है, मतलब राइट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ सिर्फ ये। इधर हमारा ये चेन लगी है और इसमें स्लीव्स नहीं लगी, स्लीव्स का काम ये कर रही है। तो बाकी तो अभी हमारे इसे क्लाइंट भी पहनेंगे, पहनने के बाद इसकी लुक का देखते हैं कैसी लुक लगी। तो बाकी तो इसका पहनने के बाद ही पता चलेगा इसका सही लुक कैसे आया। तो फ्रेंड्स आपने इस तरीके से देखा, हमने आपको चार साड़ी की जो है आपको चार ड्रेस दिखाई। अब इनका जो स्पेशल लुक है वो हमारे क्लाइंट पहन के दिखाएंगे आपको। जैसे जैसे ड्रेस आपको दिखाते रहेंगे, वैसे वैसे हमारे जो क्लाइंट है उनकी ड्रेस पहन के आपको दिखाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स अभी आपने ड्रेस देखी, और अभी आप लास्ट तक वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हमारी ये जो ड्रेसेस हैं ये हमारे क्लाइंट पहन के दिखाएंगे आपको, और आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना कि ये जो साड़ी है, साड़ी में से जो ड्रेस बनी और जो ड्रेस हमारे क्लाइंट ने पहनी वो कैसी लगी। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हमारी ड्रेसेस पसंद आती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये आइडियाज औरों को भी मिलते रहे। जिसको स्टिच करना है वो स्टिच के लिए आइडिया मिलते रहेंगे, और जिसको स्टिच कराना है, जो हमारे यहाँ से स्टिच कराना चाहते हैं उनको भी आइडिया मिलता रहेगा। हमारे यहाँ क्या है, मतलब कहीं भी स्टिच कराना चाहे तो उसके लिए क्या है कि यदि उनके पास इस तरह की साड़ी होगी तो उनको काफी अच्छा आइडिया मिलेगा। तो प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है ये कि आप इन्हें ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।